मध्य प्रदेश के कटनी जिले के रीठी थाना क्षेत्र के मगरधा गांव में एक हाइवा अनियंत्रित होकर घर में जा घुस गया, जिससे घर के बाहर बैठी मां बेटी की हाइवा की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के बाद हाइवा चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने हाइवा बरामद कर घटना की जांच शुरू कर दी है। कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। कटनी जिला अंतर्गत रीठी थाने में मगरदा एक गांव है, वहां पे एक अनियंत्रित हाइवा की चपेट में आने से एक ही परिवार की दो महिलाओं की मौके पे मृत्यु हो गई है और एक बच्ची जो है वो घायल है। घर की दहलीज में तो ट्रक घुसा है, अब वो बाकी वहाँ छानबीन का विषय है कि वहाँ क्या ऐसा कंस्ट्रक्शन रोड की समस्या या गाड़ी के साथ ऐसी क्या समस्या आई है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है हर बिंदु पर छानबीन कर रहे हैं। बड़ी दुखद घटना है कि दो लोग वहाँ पे, दो महिलाएं जो हैं, माँ और बेटी, ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई है।